दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम फाइनल मैच में अपनी जगह पक्की करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच में बारिश ने डाला खलल। अब नए फॉर्मेट और नए समय के साथ खेला जाएगा ये महामुकाबला। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज गयाना के स्टेडियम पर खेला जा रहा है, लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले बारिश ने बड़ी दुविधा पैदा कर दी है, जिसके चलते टीम को काफी बड़ा नुकसान हो गया है। तो आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण अब कौन से नए समय और नए फॉर्मेट के साथ में खेला जाएगा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच में आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप 2024 समाप्ति की तरफ जा पहुंचा है, जहां पर आज पहले सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने 9 विकेट से अफगानिस्तान की टीम को हराते हुए T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार फाइनल के अंदर जगह कायम की। तो वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम पर खेला जा रहा है, लेकिन मैच के शुरू होने से पहले ही बारिश के कारण मैदान पर काफी ज्यादा देरी देखने को मिली। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच आंकड़ों के बारे में बात करें तो दोनों टीमों के बीच में 23 T20 मैचेस खेले गए हैं। इस बीच 12 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली, तो वहीं इंग्लैंड की टीम को 11 मैचों के अंदर जीत मिली है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले गए हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 2 और भारतीय टीम ने 2 मैचों में जीत दर्ज की। और ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है। हालांकि इस मैच के शुरू होने से पहले ही बारिश की संभावना दिख रही थी और पूरे दिन बारिश की संभावना 80% से ऊपर थी। ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच भी बारिश का आगमन आखिरकार हो ही गया, जहां पर सुबह से ही बारिश आ रही थी और बार बार जा भी रही थी। ऐसे में फिलहाल के मौसम के बारे में अगर बात करें तो फिलहाल बारिश काफी तेजी से हो रही है, जो अब बंद हो चुकी है, जिसके कारण मैदान काफी ज्यादा गीला हो चुका है और ग्राउंडमैन मैदान को सुखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते 7:30 बजे से टॉस होना था, जो बारिश के चलते मैदान गीला होने के कारण नहीं हो पाया। और ऐसे में गीले होने के कारण मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हो सकता है। हालांकि अभी बारिश नहीं आ रही है, लेकिन अगर आगे बारिश आती है, जिसकी काफी संभावना दिख रही है, और ऐसे में इस मैच को कोई रिजर्व डे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि 4 घंटे का अतिरिक्त समय मैच के अंदर दिया गया है, जिसके चलते रात 12 बजे के बाद से ओवर की कटौती प्रारंभ हो जाएगी और 2 बजे तक मैच नहीं होता है तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा, जिसके चलते भारत टेबल में टॉप होने के कारण फाइनल में होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।